इसराइल ने फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के ब्रिगेड कमांडर को मार गिराया। गाजा में मिसाइल धमाका कर कमांडर मोहम्मद कैटरुई को IDF ने ढेर किया। उधर ईरान के एक मिलिट्री बेस पर हुए विस्फोट में ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड के एक कर्नल और कैप्टन की मौत हो गई। ईरान के मिलिट्री बेस पर हमले के आरोप मुसाज एजेंट पर लगे हैं, जिसके बाद सुप्रीम लीडर खामनेई हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला को नए मिशन पर लगा दिया गया है। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए खामनेई के एटमी ट्रैप में कैसे फंस गए नेतन्याहू। इजरायली बंधकों को हलाक करने लगा हमास। पीस डील में फट गया नसरल्ला बम। खामनेई की खूनी डिमांड, एक्शन में आया हिजबुल्ला। ईरानी कैप्टन और कर्नल को गैस चैम्बर में किसने भुना? जेनिन में बारूदी जलजला उठ रहा है। वेस्ट बैंक को नेतन्याहू के बुलडोजर रौंद रहे हैं। रफा और गाजा का चप्पा चप्पा मिसाइल से पड़ चुका है। इसराइल इस कदर बौखलाया हुआ है कि दुश्मन को मटिया मेट करने से पहले नहीं रुकने वाला है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि कुछ दुश्मन हमास युद्ध को खत्म नहीं होने देने का प्रण लेकर बैठे हैं। ऐसे में हमास और उन दुश्मनों की बर्बादी तक इसराइल के हमले जारी रहेंगे। इसराइली बंधकों को हमास लड़ाकों ने बेमौत मारकर नेतन्याहू को भड़का दिया है। इसराइली बंधकों का नया नरसंहार ऐसे अहम पड़ाव पर अंजाम दिया गया है जिसमें युद्ध की समाप्ति की सारी कोशिशें बेकार हो गई। कतर के दोहा में गाजा युद्ध विराम समझौते की बातचीत के बीच 6 इसराइली बंधकों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया है। बंधकों को तब गोलियों से भुना गया जब इसराइल डिफेंस फोर्स उनके बेहद करीब पहुंच गई थी। हमास के सुरंग में बंधक बनाए गए जिन 6 इजरायली नागरिकों को मारा गया उनकी डिटेल भी सामने आ गई है। हमास लड़ाकों ने सुरंग में बंधक बनाए गए 23 साल के हर्ष गोल्ड बर्ग पोलिन, 24 साल के एडन यरूशालमी, 25 साल की ओरी डेनिनो, 32 साल के एलेक्स लुबनो, 40 साल के कार्मेल गैट और 27 साल की आलमोग सरूसी को मौत के घाट उतारकर इसराइल को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया है। We are very, very sad and very, very angry about our government. That all they does is care about their position in the government. It doesn't care about the hostages and doesn't do anything in order to release them. The deal should have been signed long time ago, and these people, for sure, like many others, could have been saved. हमास का ये हॉरर सामूहिक मर्डर कांड वॉर में बारूद झोंकने वाला साबित हुआ है। IDF प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने धमकी दी है कि जिस तरह से इजरायली बंधकों को क्रूर तरीके से मारा गया उससे भयानक मौत हमास फाइटर को दी जाए। रफा की सुरंग में मिले 6 इजरायलियों के शव उस इलाके से मिले हैं जहां IDF ने फरहान अलकादी को बचाया था। मतलब ये कि IDF की आहट मिलने के बाद ही बंधकों की जान ली गई। बंधक हत्याकांड के बाद PM नेतन्याहू ने ईरान को शांति समझौते में अड़ंगा डालने वाला दुश्मन करार दिया है। בימים אלה, בשעה שישראל מנהלת מסע ומתן אינטנסיבי מול המתווכות במאמץ עליון להגיע לעסקה, החמאס ממשיך לסרב בתוקף לכל הצעה. חמור מכך, באותו זמן ממש, הוא רצח 6 מחטופינו. מי שרוצה החטופים, לא רוצה עסקה. अब तक शांति की पहल में जुटा अमेरिका भी बंधक हत्याकांड के बाद से भड़का हुआ है। इसकी वजह यह है कि जिन 6 बंधकों को मारा गया उसमें एक हर्ष गोल्डबर्ग पोलैंड अमेरिकी है। इसलिए भी बंधक हत्याकांड का ऑर्डर तेहरान से आया हुआ माना जा रहा है।
इसराइल को वॉर जोन में भी जोरदार झटका लगा है। हमास लड़ाकों ने इसराइल सुरक्षा बल के 3 जवानों को भी मौत के घाट उतार दिया है। दक्षिणी वेस्ट बैंक के तारकोमिया के पास गोलीबारी में 3 इजरायली पुलिस अधिकारी मारे गए हैं। बंदूकधारियों ने वेस्ट बैंक और इजरायल के बीच एक चेक पॉइंट पर गोलीबारी की और फरार हो गए। बैक टू बैक मिल रहे सेटबैक ने इजरायली धमाकों की धार तेज कर दी है। IDF ने पूरे जेनिन को जेल में तब्दील कर दिया है। हमास फाइटर को सुरंग में घुसकर सर्च किया जा रहा है। मैप पर देखिए जेनिन की घेराबंदी कैसे की गई है। 42 किलोमीटर में फैले जेनिन में फिलहाल 23,628 शरणार्थी कैंप में हैं। बीते 5 दिन से इजरायली फोर्स जेनिन में एयर स्ट्राइक और ग्राउंड अटैक कर रही है। जेनिन के सभी बॉर्डर पर इजरायली फोर्स ने मिट्टी और मलबे की दीवार खड़ी कर दी है। हमास फाइटर जेनिन में अंडरग्राउंड टनल में सिमट कर रह गए हैं। जेनिन वेस्ट बैंक का आखिरी छोर है। इजरायली फौज ने पूरे शहर को घेर लिया है। जेनिन के गवर्नर कमाल अबू अल रब ने आरोप लगाया है कि IDF ने बाहर जाने और एंट्री करने के रास्ते बंद कर दिए हैं। ऐसी नाकेबंदी की एक वजह चैनल 12 की एक रिपोर्ट भी बनी है, जिसमें बताया गया है कि गाजा पट्टी पर हमले की शुरुआत के बाद से करीब 4,000 हमास फाइटर्स ने इसराइल में घुसपैठ कर ली है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमास के नुखबा फोर्स के लगभग 3800 लड़ाकों ने बॉर्डर पार किया। 7 अक्टूबर को हुए हमले के दौरान इसराइल में घुसे नुखबा फोर्स के लड़ाके अब भी इसराइल में छिपे बैठे हैं। इसराइल में लूटपाट और डकैती की जितनी वारदातें हो रही हैं, उन्हें यही नुखबा लड़ाके अंजाम दे रहे हैं। नुखबा फाइटर्स के साथ फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के मेंबर भी इसराइल में घुसकर स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं। इसराइल के लिए नुखबा के खूंखार लड़ाकों की शिनाख्त करना भी आसान नहीं, क्योंकि नुखबा लड़ाके मोहम्मद अल कादी की मौत के बाद किसके इशारे पर काम कर रहे हैं इसका किसी को पता नहीं। अली मोहम्मद अल कादी 7 अक्टूबर को इसराइल में हुए नरसंहार की प्लानिंग में शामिल थे। इसराइल में नरसंहार के 6 दिन बाद अल कादी की मौत हो गई। अल कादी को इसराइल ने ड्रोन अटैक में ढेर करने का दावा किया था। अल कादी के बाद नुखबा फोर्स का कमांडर कौन बना इसका औपचारिक ऐलान अब तक नहीं हुआ है, यानी इसराइल का नुखबा कमांडर तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। उधर हसन नसरल्ला ने नेतन्याहू के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। कतर में नसरल्ला के एजेंट पीस डील में ब्रेकर बने हुए हैं। हिजबुल्ला लड़ाके लेबनान फ्रंट पर बड़े हमले का प्लान बनाकर रेडी हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का सिग्नल मिलते ही खूनी कोहराम मचना तय है। खामनेई जल्द इसराइल पर अटैक का ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। इसकी वजह है ईरानी सेना के 2 टॉप ऑफिसर की मौत। ईरान के इस्फहान में कैप्टन मोजदबा नजारी और लेफ्टिनेंट कर्नल मोक्तार मोरशेदी की मौत हो गई है। ईरानी सेना के दोनों वरिष्ठ अधिकारियों की मौत गैस से दम घुटने की वजह से हुई। ये गैस रिसाव एक विस्फोट के बाद हुआ। धमाका ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के एक वर्कशॉप में हुआ। IRGC सेंटर पर धमाका कैसे हुआ, किसने किया, बताने की जरूरत नहीं। ईरान में घुसकर इसराइल के खुफिया एजेंट्स क्या कर सकते हैं, इसे इस्माइल हानिया के खात्मे से समझा जा सकता है। हानिया से पहले भी ईरानी सेना के अधिकारियों को बेमौत मारने का सीक्रेट ऑपरेशन मोसाद एजेंट अंजाम दे चुके हैं। ग्यारह में तेहरान के पास एक मिसाइल बेस पर धमाका कर कमांडर हसन तेहरानी मोकदाम के साथ 17 लोगों को मारा गया था। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को तहस नहस करने का आरोप भी इजरायली एजेंट पर लगा था। शह मात का जो खेल ईरान में चल रहा है, वहीं इजरायल हर फ्रंट पर आर पार की नौबत है। लेकिन ईरान ने अब तक इसराइल पर सीधे वॉर शुरू नहीं किए। मुमकिन है कि ये हमले एटम बम के हाथ लगने के बाद शुरू होगा। हाल ही में ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर खौफनाक अपडेट आया है। रिपोर्ट के मुताबिक 17 अगस्त तक ईरान के पास 60% तक संवर्धित 164.7 किलोग्राम यूरेनियम था। IAEA की पिछली रिपोर्ट के बाद से ये 22.6 किलोग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एटम
बम बनाने के लिए जितने यूरेनियम की जरूरत है उतना ईरान के पास मौजूद है। ईरान एटम बम बनाने से बस कुछ तकनीकी कदम दूर है। मतलब साफ है कि जिस दिन खामनेई की सेना एटम बम से लैस होगी उसी दिन से बदला शुरू होगा। ये बदला सिर्फ नेतन्याहू को दहलाने तक सीमित भी नहीं होगा। ईरान की सबसे बड़ी दुश्मनी सुपर पावर अमेरिका से है। अमेरिका से ईरान के बहुत पुराने हिसाब बाकी हैं। अली खामनेई इजराइल से ज्यादा नफरत अमेरिका को करते हैं। इसका ओपन ऐलान उन्होंने कई बार किया है कि ईरान के एटम बम का फर्स्ट टारगेट अमेरिका होगा।